वैसे तो लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन अगर इस लिस्ट में नंबर वन की बात की जाए तो वो है पढ़ाई। जी हाँ, पढ़ाई लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको आगे जाकर के एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है तो अब 10वीं तक तो सभी जगह पढ़ाई ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है, और इसके बाद यानी कि 10वीं के बाद 11वीं में सब्जेक्ट चूज करना होता है, उसके बाद आगे की पढ़ाई करनी होती है, और जैसे ही हम 12वीं पास कर लेते हैं तो फिर कॉलेज की पढ़ाई करनी होती है। तो यहाँ पर अब कुछ लोग 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई कंप्यूटर में करना चाहते हैं, इसीलिए BCA कोर्स करने की सोचते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि आखिर में ये कोर्स क्या होता है और इसे कहाँ से करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि BCA क्या होता है, What is BCA, BCA कैसे करें, How to do BCA after 12th, और BCA करने के क्या क्या फायदे हैं और किस तरीके से BCA में एडमिशन लिया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आइए जानते हैं, आजकल स्टूडेंट्स की रुचि कंप्यूटर फील्ड में काफी ज्यादा बढ़ रही है, इसीलिए कई सारे स्टूडेंट्स 12वीं पास करने के बाद कंप्यूटर फील्ड में जाना चाहते हैं, और कंप्यूटर फील्ड में जाने के लिए BCA कोर्स काफी अच्छी चॉइस है। लेकिन इसमें एडमिशन लेने से पहले आपको कुछ जरूरी बातें पता होनी चाहिए। आपको इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये कोर्स है क्या, इसमें किस तरीके से पढ़ाई होती है, और इसे करने के बाद आप किस तरीके की जॉब कर सकते हैं और अच्छी खासी सैलरी भी पा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि BCA क्या होता है। BCA एक प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है जिसका पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो कि पूरे 3 साल का होता है। इस कोर्स को आप 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। ये एक टेक्निकल डिग्री कोर्स है जिसमें स्टूडेंट्स को कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें आगे जाकर के कंप्यूटर या फिर IT की फील्ड में आप आसानी से काम कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आपको कंप्यूटर के बारे में कई सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा, जैसे कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से बनता है, कैसे आप एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसके साथ साथ BCA डिग्री करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब भी कर सकते हैं, और साथ ही BCA करने के बाद आप MCA कोर्स भी कर सकते हैं। तो BCA कोर्स में क्या क्या सिखाया जाता है, ये है मेन सवाल। आइए जानते हैं इसका जवाब। BCA में आपको सॉफ्टवेयर बनाना सिखाया जाता है, वेबसाइट डिजाइन करना सिखाया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में सिखाया जाता है, कंप्यूटर बेसिक के बारे में पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। और अगर बात करें योग्यता की, तो BCA के लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। कुछ कॉलेज में BCA के लिए साइंस सब्जेक्ट भी मांगते हैं, या फिर 12th में मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस मांगते हैं। 12th में कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए BCA के लिए। और अगर बात की जाए BCA कोर्स की पढ़ाई कैसे की जाए, तो सबसे पहले आपको 12वीं पास करके अच्छे अंक लाने होंगे। जी हाँ, अगर आपको कंप्यूटर की पढ़ाई करनी है तो इसके लिए सबसे पहले 12वीं क्लास पास करनी होगी अच्छे मार्क्स से, या फिर आप चाहे तो 11वीं और 12वीं में कंप्यूटर सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास करके BCA कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दे कि कुछ कॉलेज में BCA करने के लिए 12th में मैथ सब्जेक्ट मांगते हैं और कुछ कॉलेजेस में साइंस सब्जेक्ट, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में आप 8 सब्जेक्ट से भी BCA कर सकते हैं। दूसरा है BCA एंट्रेंस एग्जाम भरे और उसे क्लियर करे। अगर आप एक अच्छे और नामी कॉलेज से अपने कंप्यूटर की पढ़ाई यानी कि BCA करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम को भर सकते हैं, और इसे क्लियर करने के बाद आप BCA में एडमिशन भी ले सकते हैं। कुछ कॉलेजेस बिना एंट्रेंस एग्जाम के भी आपको एडमिशन देते हैं, तो आप अपने हिसाब से कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं। तीसरा है BCA की पढ़ाई पूरी करें। जैसे ही आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, इसके बाद आपको कॉलेज में 3 साल तक BCA कोर्स की पढ़ाई करनी होगी, जिसमें आपको कंप्यूटर बेसिक, नेटवर्किंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इत्यादि के बारे में पढ़ाया जाता है, जिसमें कुल 6 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें आपको लास्ट सेमेस्टर में प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद ही आपका BCA पूरा होता है। नंबर 4 पर है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। जैसे ही आपकी BCA की डिग्री पूरी हो जाती है, तो कोशिश करिए कि आप BCA के बाद कंप्यूटर फील्ड या फिर IT कंपनी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है, स्पेशली कंप्यूटर के फील्ड में। तो जैसे ही आपकी इंटर्नशिप हो जाए, उसके बाद आप चाहे तो MCA के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो
डायरेक्ट BCA खत्म करने के बाद MCA भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप BCA कोर्स की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। इसी के साथ ऑल द बेस्ट, ध्यान रखिए अपना बहुत सारा, यूं ही मुस्कुराते रहिए और हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया।